हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं फिर से एक बार। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चार राशियां हैं जो कि बहुत ही ताकतवर होती है, यानी कि ये किसी से भी नहीं डरती है। ये इनका स्वभाव निडर स्वभाव का होता है और इनके जीवन में यदि कोई परेशानी भी आती है तो उसका ये डट कर सामना करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर होती है। मैं ऐसा नहीं कहती ही कि दूसरी राशियां निर्बल होती है, लेकिन उनके मुकाबले ये चार राशियां बहुत ही ताकतवर होती है। तो आइए चलिए जानते हैं दोस्तों, हमारी 12 राशियों में से ऐसी कौन सी चार राशियां हैं जो कि बहुत ही ताकतवर होती है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी आप क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। हमारे राशि चक्र में 12 राशियां होती है दोस्तों। इन 12 राशियों में से सबसे ताकतवर राशियां चार राशियां होती है। वह राशियां ताकतवर इसलिए रहती है क्योंकि उनके ऊपर शनि व मंगल ग्रह का आधिपत्य होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी राशि सबसे अधिक ताकतवर होती है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगी कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातक बहुत ही ताकतवर होते हैं। ये सपनों को हकीकत में बदलने की पूरी हिम्मत रखते हैं दोस्तों। इनके ऊपर यदि कोई मुसीबत भी आती है या फिर कोई परेशानी भी इनके जीवन में आती है तो ये उसका डटकर सामना करते हैं और कामयाब भी बनते हैं। और ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ तरीके से अपने जीवन में हर कठिनाइयों का सामना करते हैं और आगे जाके सफलता को छूने वाले एक कामयाब इंसान बनते हैं। ये सब कुछ इनके जीवन में शनि ग्रह के कारण होता है दोस्तों, क्योंकि इनका राशि स्वामी शनि देवता होता है। शनि देवता एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं हमारी जन्मपत्रिका के अंतर्गत। जिस भी जन्मपत्रिका के अंतर्गत शनि बेहद पावरफुल होंगे, यानी कि उनकी डिग्री अच्छी होगी, उनका प्लेसमेंट अच्छा होगा, तो वह जातक बहुत ही अपने जीवन में कामयाब होता है और ताकतवर भी कहलाता है वे दोस्तों। यानी कि वह किसी से भी डरता नहीं है और कोई भी मुसीबत का सामना करने के लिए वे हमेशा तैयार रहता है, हम कह सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक बहुत ही ताकतवर होते हैं। किसी भी चीज से ये पीछे नहीं हटते हैं। जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ जाए तो भी ये पीछे नहीं हटते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि हार नहीं मानते, क्योंकि शनि देवता की असीम कृपा इनके ऊपर रहती है दोस्तों। इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरी राशि के बारे में, मकर राशि। मकर राशि वाले जातक भी बहुत ही ताकतवर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका राशि स्वामी भी शनि देवता रहता है। शनि देवता की असीम कृपा से ये जातक भी बहुत अधिक ताकत वाले होते हैं। इनके शरीर से भी ये हष्ट पुष्ट रहते हैं, यानी कि शरीर शारीरिक बनावट भी इनकी बहुत ही सजग रहती है दोस्तों। ये बहुत ही अधिक साहसी होते हैं, निडर होते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की लालसा इनके अंतर्गत बहुत अधिक होती है। इनके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा रहती है, यानी कि हर काम को ये फटाफट निपटाने वाले होते हैं, यानी कि हर कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूने वाले रहते हैं। सब कुछ इनके शनि ग्रह के प्रभाव के कारण ही होता है दोस्तों। अब तीसरी राशि के बारे में बात करते हैं हम, मेष राशि। मेष राशि वाले जातक भी बहुत ही ताकतवर रहते हैं अपने क्षेत्र में। यह इसलिए होता है क्योंकि इनका राशि स्वामी मंगल देवता रहता है। मंगल देवता भी बहुत ही असीम शक्ति के ग्रह माने जाते हैं हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत। जिस भी जन्म पत्रिका के अंतर्गत यदि मंगल उसका उच्च का हो गया या मंगल ग्रह अच्छा है, अच्छे ग्रह में उस अच्छे घर में उसका प्लेसमेंट है, तो वह जातक भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने वाला इंसान बनता है, अपने क्षेत्र में एक कामयाब इंसान बनता है। मेष राशि वाले जातक भी अपने शरीर से बहुत ही हष्ट पुष्ट रहते हैं, यानी कि शारीरिक बनावट भी इनकी बहुत ही अच्छी रहती है दोस्तों। जल्दी से ये बीमार नहीं होते हैं, अगर बीमार भी होते हैं तो जल्दी से स्वस्थ रहते हैं, यानी कि अपने शरीर का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल ग्रह का आधिपत्य इनके ऊपर बेहद अधिक रहता है। इसी तरीके से हम चौथी राशि के बारे में बात करते हैं, वृक्षिक राशि। वृक्षिक राशि वाले जातक भी बहुत अधिक तेज दिमाग के माने जाते हैं और ये बहुत ही अधिक अट्रैक्टिव
श्रेणी में आते हैं और बहुत ही ताकत वाले होते हैं। इनको कोई हरा नहीं सकता, ना ही इनको कोई बेवकूफ बना पाता है। इनके अंतर्गत एक असीम तरह की सिक्स सेंस पावर रहती है, यानी कि दूसरों को जल्दी से ये भांप लेते हैं कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में। ये इनके मैनेजमेंट की प्रणाली भी बहुत ही अच्छी रहती है, यानी कि मैनेजमेंट के कार्य भी बखूबी ये कर सकते हैं। और टीम में लीडरशिप की क्वालिटी होती है इनके अंतर्गत, यानी कि जिस भी क्षेत्र से जुड़े रहेंगे इसमें लीडर का काम करना ये बहुत अधिक पसंद करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक ये बहुत ही अधिक गतिशील होते हैं, साहसी प्रवृत्ति के होते हैं और हर कार्य में ये कुशल होते हैं। जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं उसमें ऊंचाइयों को छूने वाले इंसान ये रहते हैं। ये सब इनके मंगल ग्रह के कारण होता है इनका, क्योंकि इनका राशि स्वामी भी मंगल देवता होता है। दोस्तों, अब मैंने इन चार राशियों के बारे में आपको बात करी है इस वीडियो के अंतर्गत कि ये बहुत ही ताकतवर होती है। यदि इन चार राशियों में वृश्चिक राशि और मेष राशि के जातक मंगल का स्वामी इनका राशि स्वामी होता है, यदि मंगल का प्लेसमेंट इनकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत यदि नीच ग्रह में हो जाए और या फिर गलत घर में बैठ जाए, यानी कि मंगल ग्रह इनके यदि मारक बन जाएंगे तो इनके जीवन में फिर परेशानियों आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, फिर इनके जीवन में शांति नहीं रहेगी, इसलिए जन्म पत्रिका का विवेचन बहुत अधिक जरूर रहता है हमारे जीवन के अंतर्गत। हमें एक बार तो जन्म पत्रिका का विवेचन अवश्य करवाना चाहिए ताकि हम ये जान पाए कि हमारे जन्म पत्रिका के अंतर्गत कौन से कारक ग्रह हैं, यानी कि अच्छे रिजल्ट देने वाले, और कौन से मारक ग्रह हैं। आपका मेन जो राशि स्वामी होता है यदि वही मारक हो जाए तो आपको जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसी तरीके से कुंभ राशि और मकर राशि के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपका राशि स्वामी शनि देवता रहता है। यदि शनि ही आपके मारक ग्रह बन जाए, यानी कि वह नीच राशि में बैठ जाए या फिर गलत घर में उनका प्लेसमेंट हो जाए, यह सब हम पता लगा सकते हैं जन्म पत्रिका के विवेचन के बाद या जन्म पत्रिका देख कर ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी जानकारियां दूंगी दोस्तों जन्म पत्रिका से रिलेटिव, ताकि आप खुद जान पाएंगे कि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत कौन से कारक ग्रह हैं और कौन से मारक ग्रह हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप को उनके मारकता को खत्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और उनकी कारकता को अधिक बढ़ाने के लिए आपको जीवन में क्या करना चाहिए, सब आपको सब कुछ जान पाएंगे। तो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ। यदि वृश्चिक राशि वाले जातक, मेष राशि वाले जातक, कुंभ राशि वाले जातक, मकर राशि वाले जातक या अन्य कोई भी राशि वाले जातकों के जीवन में यदि कोई परेशानी आती है तो वह ग्रहों की प्लेसमेंट अगर उनके जन्म पत्रिका के अंतर्गत गलत घर में हो जाते हैं या फिर वो नीच के हो जाते हैं तो ही परेशानी होती है, अन्यथा उनके जीवन में पॉजिटिव परिणाम उनको अवश्य मिलते हैं, उनके कुछ अच्छे योग भी बनते हैं तब उनको जीवन में पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी कि कौन से जातक बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं कि उनके जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है और कुछ अच्छा हो भी रहा है तो क्यों होता है, ऐसा आप उनको भी जानकारियां दें कि उनके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। और यदि आपके जीवन में कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।